देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और डाउट, बट ये आपने पहले वाला अगर क्वेश्चन देख रखा है तो ये आपसे बन जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है। अ बॉल विथ चार्ज -50E, अ बॉल, ये रही एक बॉल, और बॉल बोल दिया तो सॉलिड स्फीयर, इस पे चार्ज गिवन है -50E, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल शेल। अब इसको कहां रखा, एट द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेरिकल शेल। बताओ स्फेरिकल शेल तो ऐसे ही बनेगा इनर और आउटर रेडियस के साथ। हैज अ नेट चार्ज ऑफ, और इस पूरे स्फेरिकल शेल पे नेट चार्ज कितना है, -50E। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ आउटर सरफेस, आउटर पे कितना होगा, तो और इजी क्वेश्चन है। इससे पहले वाले में तो हमने चार्ज डेंसिटी निकाली थी, तो बताओ इस पे क्या चार्ज होगा। तो आप क्या कहेंगे, सर ये -50E है, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, कंसेप्ट हॉलो स्फेरिकल शेल। देन क्या यहां पे वही गॉसियम सरफेस सपोज करेंगे, नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो, क्या अंदर होगा -50, सॉरी +50, तभी तो नेट चार्ज जीरो आएगा इस पे। तो इनर सरफेस पे कितना हो गया +50, टोटल कितना गिवन है -50। तो क्या मैं आपसे कह दूं, इनर पे ये रहा, लेट इट बी Q1, आउटर पे Q2, तो क्या Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, -50 गिवन है ना, टोटल पे चार्ज ये है। अब इनर पे कितना आ गया, तो आपके पास Q1 की वैल्यू है +50E प्लस Q2 इज इक्वल्स टू -50, ये इधर आया, तो Q2 इज -50 -50, नाउ इट बिकम्स -100E, ये वैल्यू आ गई Q2 की, दैट इज कहां पर, ओवर द आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस का चार्ज -100E, कितना इजी। अब तो कोई सा भी आपको ये हॉलो स्फीयर का क्वेश्चन आ जाए बनने लग जाएगा, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, गॉसियम सरफेस लिया, नेट चार्ज जीरो होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, होलो में आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस इतना होगा, तभी नेट चार्ज जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, और इनर और टोटल का मिला के ये है रखा आंसर, तो आंसर इज -100E।